नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आईपीएल पर सट्टा खाईवाली के चलते आरोपी काबू। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। सिरसा निवासी प्रेम कुमार व देवेंद्र कुमार को किया गया काबू। 43,000 रुपए नगद, एक लैपटॉप और मोबाइल सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया। साइबर क्राइम की भी ली जाएगी मदद। दो आरोपियों को काबू कर लिया गया है और शीघ्र ही तीसरे आरोपी को भी काबू किया जाएगा। पल पल सिरसा से विशेष रिपोर्ट। जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला की सीआईएस सिरसा व सिविल लाइन्स सिरसा की संयुक्त टीमों द्वारा आज नई अनाज मंडी में सिरसा में और इस क्षेत्र में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए दो आरोपियों को काबू किया गया। आरोपियों से 43,000 रुपये नकद व एक लैपटॉप तथा मोबाइल सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि सट्टा खाईवाली से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। पुलिस को सूचना मिली थी कि अनाज मंडी सिरसा में बूथ नंबर 17 में कुछ लोग इकट्ठा होकर मोबाइल फोन और लैपटॉप के माध्यम से आरबीसी, आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जा रहे आईपीएल मैच में सट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। इस सूचना को पाकर के पुलिस ने बताए गए स्थान पर दबिश कर क्रिकेट सट्टा लगाते हुए दो आरोपियों को सट्टा राशि सहित व अन्य सामान के साथ मौके पर काबू कर लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अन्य किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान की गई है, जिसे शीघ्र ही काबू कर लिया जाएगा। अब देखने पर पल की एक खास रिपोर्ट। अकबर ने मुझे सूचना दी कि प्रेम कुमार व देवेंद्र कुमार दोनों ने बूथ नंबर 17 पर अनाज मंडी सिरसा में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खाईवाली कर रहे हैं। जो सूचना पाकर मैं हेडिंग पार्टी तैयार करके मौके पर पहुंचा और मौके पर दोनों को आईपीएल मैच पर क्रिकेट सट्टा खाईवाली करते हुए काबू किया, जिनके कब्जे से मेरा मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी और 13,500 रुपये की करेंसी नोट बरामद किए गए और जिस पर अभियोग किया गया। धारा जो लगाई है वो 419, 420, 120 बी आईपीसी, 66 बी आईटी एक्ट और 13 ये जो है गैम्बलिंग एक्ट की धाराएं लगाई गई। फर्दर जो है वो माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, उनसे आगे गहनता से पूछताछ की जाएगी और आगे जो है ना साइबर क्राइम की मदद लेकर इसमें और कौन कौन लोग हैं उनके बारे में पता किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक नाम बताया है जो इसमें जो साइबर आईडी लेते हैं, आईडी के ऊपर जो है ना ऑनलाइन मैच करते हैं, तो इन्होंने बताया कि दिनेश को बिहानी को बता रहे हैं, उनसे उन्होंने उपलब्ध कराई है।